और उत्तराखंड में जहरीली शराब पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने डेंगू के बढ़ते मामलों और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर 30 सितंबर को उपवास का ऐलान कर दिया। आरोप यह है कि डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है और सरकार दावे करने में व्यस्त है। डेंगू के डंक से त्राही त्राही कर रहा है उत्तराखंड। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। इस बीच सियासत भी परवान चढ़ गई है। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या ने बीजेपी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी के नेता भी सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने 30 सितंबर को उपवास का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि अस्पतालों में व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं, डॉक्टरों से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जी देखिए, मैंने 30 तारीख दी है। यदि 30 तारीख तक इन्होंने गंभीरता से लेकर चीजों में सुधार किया तो ठीक है, पर नहीं सुधार किया और संख्या बढ़ती गई, महामारी का रूप तो ले चुकी है, तो हम प्रतीकात्मक विरोध के लिए उपवास पर बैठेंगे। गौरतलब है कि सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 3500 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी देहरादून और नैनीताल में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में रोजाना 20 से 25 डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, तो वहीं डेंगू के चलते 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिस पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी अपना तर्क दे रही है। ज्यादा उनको चलने में भी दिक्कत होती है, बैठ के ही वो थोड़ा सा अपना करें। मैं तो उनको राय देता हूँ, हमारी बड़ी दीदी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, उनकी एक उम्र होती है, तो इसलिए उपवास करें तो अच्छा है, लेकिन उपवास कम घंटे का करें, बीपी डाउन हो जाएगा एक उम्र में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं को फुल स्लीव की शर्ट पहनने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग जिलों में टीमों को तैनात किया गया है। अकेले देहरादून में 21 टीमों की तैनाती की गई है। देहरादून, नैनीताल समेत अन्य शहरों में फॉगिंग कराई जा रही है। बावजूद इसके डेंगू की रोकथाम नहीं की जा सकी। इस बीच स्वाइन फ्लू के मामले भी सामने आने लगे हैं, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठना लाजमी है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।